बसमिल एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी नाज़िन मुल्की मीशत में बेहतरी का मिशन जारी है हुकूमत और पाक फ़ौज की मुश्तर काविशों से मुशी बहाली बहाली की का जो काम है वो तेज़ी से जारी है पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसकी मजमू मुल्की पैदावार का तेईस फीसद हिस्सा ज़रात पर मुंहर है पाकिस्तान के पास वसी ज़र अराजी मौजूद है जिसका ग्यारहवा बड़ा रकबा ज़र काश्त है हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज की मुश्तरक काविशों से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कायाम अमल में लाया गया जो 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 काविशों की पहली कड़ी है एस आई एफ सी का हदफ़ यह है कि जदीद आलत और तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मौशी बहरान पर काबू पाना है एस आई एफ सी के प्लेटफॉर्म के नीचे लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जिसे लिम्स का नाम दिया गया है सात जुलाई को प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ ने इसका एक शानदार अफ्तह भी किया इन्हीं मरबूत काविशों के सिलसिले में आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेमिनार का भी इक़ाद हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ ने खूस तौर पर शिरकत की है नाज ग्रीन पाकिस्तान इकदाम के तहत तमाम स्टेक होल्डर ज़रिए शुबे की पायदार तरक्की और उसके उसकेी फ़वाद के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसमें ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद ज़रूरी मशीनरी बीज खाद माइक्रोन्यूट्रेंट्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है सेमिनार मेंशी और ज़री तरक्की के लिए नाजिन सऊदी अरब चीन मुतहदा अरब अमारात, क़तर और बहरीन के तान से मुतद ज़रूरी मनसूबे भी ज़ेर गौर लाए गए जो मुल्क की बरामदात में यकीन इजाफे का बास बनेंगे। इन शोबों में गंदम रुई चावल सूरजमक्खी दालें फल, सब्ज़ियाँ माल मवेशी माहरी और शमसी तो का इस्तेमाल शामिल है नाजिन आज का जो प्रोग्राम है इंट्रो से आपको अंदाज़ा हुआ होगा रूटीन से हटकर है पैनल पर जाने से पहले जो हमारे साथ खूसी तौर पर मेहमान मौजूद हैं ज़रूरी शोबे और गज़ा तहफ़ु से मुतलिक होने वाली अहम पेशर रफ्त पर बात करने के लिए ये हमारे खसूस मेहमान हैं नासिर बुखारी साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी नासिर बुखारी साहब के, के, के एस बी ग्रुप के चेयरमैन हैं जो मुल्क भर में ज़री शोबे से मुतलिक अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं नासिर बुखारी साहब उम्मीद है कि आप ठीक होंगे आपसे आगाज़ कर रही हूँ सबसे पहले तो ये फॉन ग्रो फौजी फाउंडेशन का जो मंसूबा है फ़ौजी फाउंडेशन बरह या बिलवास्ता तौर पर मुसल्ला फाज से मुतलिक है क्या दुनिया के दीगर ममालिक में मुसल्ला फाज इस तर्ज़ की सरगर्मियों को मुनजम कर रही है देखिए जो ममालिक हैं जिनमें हमारे ख़त के करीब में इजिप्ट है इंडोनेशिया है ब्राज़ील है चाइना है इन तमाम ममालिक में जो के फ़ौज से कोई जो अगर रिलेटेड अदारे हैं उनकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और उनके कामयाब प्रोडक्शन है मसल मैं आपसे अर्ज करूं कि इंडोनेशिया जो है इस वक्त सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ फ़िश हुआ है और उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहाँ पर फ़ौज और नेवी जो है उनकी उसने मिलकर उस कर उसकर उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कई गुना बढ़ा दी चाइना के अंदर जो पूरा एक रेवोल्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन वो उनकी फ़ौज की वजह से मुमकिन हो सका जिसमें उन्होंने तमाम सहराओं को जो है वो गुलगुलजार और ललहाते हुए सहरा बना दिया फोन ग्रोह जो है वो देखें डायरेक्टली जो है वो तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि वो फ़ौज का रन इदारा है वो एक कमर्शल इदारा है और उन्होंने कमाल ये किया कि दिसंबर 19 को पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ पर जो हल चलाना शुरू किए ट्रैक्टर चलाने शुरू किए फरवरी में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो मेज़ की उसकी बवाई की और अब तक जो है वो दो प्रोडक्शन जो हैं वो उसके कट्स ले चुके हैं तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि जो उनका सिस्टम है बहुत ही प्रसीजन फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग जिसमें कि उनके पास मेकनइजेशन भी है उनके पास रिसोर्स भी हैं और आजकल के दौर में दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पर हो गई है जी जी तो ये है। उनका टोटल ढाई हजार एकड़ का पूरा एक फार्म है जिसको उन्होंने फेजिस के अंदर डेवलप किया है पहले साढ़े आठ सौ और फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कहीं अवेलेबल है तो वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो उन्होंने दिखाई है और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह कि पानी का इस्तेमाल जो है वो फिफ्टी कम प्रोडक्शन डबल अब ये एक मरैकल समझा जा रहा है पाकिस्तान में हालांकि और दुनिया के दूसरे के अंदर ये मौजूद है लेकिन है। ये क्रेडिट जो है वो फॉन ग्रो को मैं देना चाहता हूं कि वो पहली दफा पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ कर रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर में से और ये दीगर तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के जो इतारे हैं पाकिस्तान के उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है मसल आप जैसे है आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं जी जी। दस दस हजार बारह बारह हजार काउस के इम्पोर्टेड काउस के प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं और पाकिस्तानी कॉरपोरेट्स ने वो लगाए हैं इसी तरह से अब वो बाकायदा जरात में जब आएंगे और उनका वो सबका तजुर्बा जो है उसको हम अगर सामने रखते हैं तो आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये फ़ोन ग्रो ने एक लीड ली है और इनको देखा देखी जो है अगले जो फेजेज़ हैं उनमें ये एक तो एरिया भी बढ़ेगा ठीक है नासिर बुखारी साहब बिल्कुल ये बात बहुत की है हम इसमें लैग कर रहे थे अब हम जरात के शोबे में ये जो आप मॉडर्न टेक्निक्स की खासतौर पर बात कर रहे हैं और खासतौर पर छोटे मंसूबों पर अब एक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में ये बहुत रेयर है और इसी की जरूरत थी ये जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रीन इनिशिएटिव क्या है नासिर बुखारी साहब क्या आपके ख्याल में इसे दूसरे सब्ज इनकलाब का आगाज करार दिया जा सकता है जी जी बिल्कुल यकीन ये तो एक आप समझिए कि इस इनिशिएटिव के अंदर फ़ौज ने भी और हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने भी वज़ी अजम साहब ने ख़ास पर एक विजन की बात की है और इसकी जो ख़ास खूबी है वो ये है कि तमाम जितने इदारे हैं वो सब इस चीज़ को समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने रिबाउंड करना है और 10 से 15 बिलियन डॉलर की जो है अपनी इनकम फौरी तौर पर बढ़ाई जा सकती है अगले दो साल में तो वो एग्रीकल्चर के ज़रिए ही मुमकिन है और वो च, एक आपको शायद आपके ने देख लिया होगा कि एल का जो एक पूरा नया सेटअप दिया है उसके तहत आपके जो आ, 85 परसेंट इस्माल फार्मर्स हैं उनके लिए भी वो एक बड़ी खुशी की नवीद है क्योंकि अब उनको पता है कि उन्हें उन्होंने पानी कब लगाना है उनको पता है कि उन्होंने खादें क्या डालनी हैं वो जो ओवर एक्सेसिव हर चीज़ उनकी जो है इस्तेमाल होती थी और वो बगैर जाने बूझे जो है ऐसी गलतियां करते थे जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती थी पानी का इस्तेमाल भी बेदरेश बढ़ जाता था तो उसको मैनेज करने के लिए और फिर उसके अलावा जो सबसे अहम बात होगी वो जो उनकी आ, सीट सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस जो है उसको उन्होंने साथ इनिशिएट किया है तो ये जो है दोनों हुकूमत की तरफ से फ़ौज की तरफ से हैंड इंड हैंड ये प्रोसेस शुरू हुआ है और इसका यकीनी तौर पर जो असर है वो छोटे काश्तकारों के लिए और बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के काश्तकारों के लिए हम बहुत जल्दी इसको जो है देख सकेंगे तो आज का जो ग्रीन इनिशिएटिव है जी जी। इसमें आप अंदाजा कीजिए कि बेशुमार उसमें जो इंट्रैक्शन हुई उसमें फार्मर्स जो थे छोटे फार्मर्स तमाम सूबों के वो सब मौजूद थे और हमारे जो चीफ साहब ने भी बड़ी पुरोद बातें की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ज़्यादा पुरुद बातें की और वो जो हॉल में एक ऐसा समा बनता है जिससे कि एक पॉजिटिविटी जो है वो खास तौर पे नजर आती है तो ऐसा था जो तो लोगों ने जैसा किसानों का ये भी दावा है कि काम जो है हो, वो जो सब्सिडी नहीं देना जो आप बात कर रहे हैं मैं चाह रही थी कि आप इसमें भी ये भी ऐड कर दें तो इस जरिए शोबे को पूरी तरह मौसर बनाना है किसान तो ये भी कहते हैं तो इस प्रोग्राम में उसे किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा जैसे मैंने आपको ये टेक्नोलॉजी का पाथ बताया कि एक तो टेक्नोलॉजी जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिर मैं ये समझता हूँ कि जो ये इनका एग्रीकल्चरल लैंड का प्रोसेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिल के नई लीजेज जो हैं वो इशू की जाएंगी तो 4.5 मिलियन एकर जो है वो अगले चंद सालों के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होगा जिसकी वजह से कि आपकी जितनी भी इस वक्त गंदम की इम्पोर्ट हो रही है या और दूसरे अजनास की इम्पोर्ट हो रही है ये तमाम इम्पोर्ट जो है वो ख़त्म हो सकेगी आप देखें कि ये जो आपके पास कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो किसी हद हाँ तक इस साल तो बेहतर होगी लेकिन आने वाले वक्तों में और भी बेहतर होगी क्योंकि सीट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई और प्रसिजन फार्मिंग जो है उसकी तरफ भी लोगों की तवज़ा जाएगी बड़े कॉर्पोरेट फार्म में भी और छोटे फार्मस में भी फार्मर जो है उसको एक नया इम्पिटस मिलेगा तो उसकी वजह से आपकी हाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी आज जो हमें मालूम हुई उसके हिसाब से ये पता चला कि हमारे यहाँ ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिससे गंदम की पैदावार जो है वो सत्तर मंथ तक जो है फी एकड़ हासिल की जा सकती है सिर्फ उसको जो है उस प्रोग्राम में यूज में एक्सटेंशन के जरिए उनकी स, उन, उनको इंट्रोड्यूस करना है तो इस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ इंडिजनस रिसर्च है उसको किस तरीके से जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है बिल्कुल मैं यही आपसे वजह से हमारे यहाँ जो, है कैसे ये जो आप रिसर्च है। की बात करें जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च और खासतौर पर जितना बड़ा आपका इनिशिएटिव है जो आप बयान कर रहे हैं अब महज़ इमारतें तहकीक़ती इदारे तो पाकिस्तान में मौजूद हैं ज़रात के शोबे में जो कायम की गई हैं अब लेकिन वहाँ पर काम नहीं होता तो आप जिस तरह आप ख़ुद भी जिक्र कर रहे हैं कि उसी से आपने फ़ायदा उठाया रिसर्च से तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है नासिर बुखारी साहब जी देखें ये मेरा ख़्याल है हमारे यहाँ जो है गलत फहमी है कि रिसर्च इतारों में काम नहीं होता बहुत सारा काम होता है लेकिन वो बाहर नहीं आता क्योंकि उसको वो मौाक़ मैसर नहीं है कि उसे वो इम्प्लीमेंटेशन में ला सकें लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका रिसर्च को यूज़ करने का वो अब एक्सटेंशन सर्विसेज के हवाले किया जाएगा कि वो उसे इस्तेमाल करें मैं आपको एक बताऊँ खुशखबरी की बात कि एक प्राइवेट सेक्टर का अदारा जो है वो बी टी काटन के ऊपर उसकी लैब जो है वो यहाँ काम कर रही है और इस साल उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है बी कॉटन उस जिसकी प्रोडक्शन जो है वो सत्तर मन से पचहत्तर मन फी एकड़ की पैदावार है उमन जो है वो बीस मन की पैदावार पे लोग खुश हो जाते थे लेकिन उन्होंने सत्तर मन की पैदावार जो है अपनी बीटी कॉटन से हासिल की है और ये प्राइवेट सेक्टर की लैब है जिसने उसको डेवलप किया है और काम किया है तो ये जो कॉटन में ख़ास तौर जो जे तो पे काम हुआ है उसमें प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का ऑलरेडी काम कर रहा है लेकिन हमें मीडिया की तरफ से इतनी इतलात नहीं होती लिहाजा लोग उसको जानते नहीं है लेकिन जैसे जैसे ये सक्सेस तो स्टोरीज तो बाहर तो आएंगी लोग ज्यादा से ज्यादा इसके मतलब जानते हैं आपने इस प्रोजेक्ट में खासतौर पर ये पार्ट रखा है कि ये लोग जाने मीडिया के जरिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं देखिए मीडिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा लोग सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं और जब सक्सेस होती है तो उसके सारे फादर्स हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अब अगले छः महीने जो है वो इसको इस मैसेज को अक्रॉस करना बहुत जरूरी है और ये जारी रहेगा और जिस वक्त ये जारी होगा और लोग उसकी सक्सेस देखेंगे तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि इससे बहुत कुछ जो है फोन ग्रो जो है ये खुद एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जी इससे जी पहले लोगों को अंदाजा नहीं था कि प्रसिजन फार्मिंग जो है उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ सकते हैं पास कम से कम इस्तेमाल होगा तो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसके बाद इसकी देखा देखी और बहुत सारे लोग जो हैं इस पाथ पे रवाना होना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और आपने यकीन करें मैंने जब फोन ग्रो की वेबसाइट को विज़िट किया है तो मैं ख़ुद हैरान रह गई हूँ कि इतने इतने ज़्यादा मौके और ख़ास तौर पर जो आपका एक कहते हैं ना कि एक टिप जो है वो आपके लिए बहुत काम करती है और उसमें तो जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल और बेसिकली जो पर्पज़ है फोन ग्रो का ये छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है नासिर बुखारी साहब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल क्योंकि जब हम पाकिस्तान के मौजूदा कवानी की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वजह से भी पीछे रह जाते रह हैं प्रैक्टिकली कवानी से मैच नहीं करते तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा कवानी है पाकिस्तान के उसके साथ क्या हम अपने जरअी शोबे को सनत में तब्दील कर सकते हैं जी यकीनी तौर पर जो मैं तो समझता हूँ कि जरिए शोबे को बाकायदा एक सनत का दर्जा देना चाहिए और लेजिस उसको जो है एक कवर देना चाहिए और एस आई एफ़ सी को भी जो है लेजिसटिव कवर देना चाहिए क्योंकि ये इदारा जो है जो यानी अभी एक कमेटी की सूरत में है ये अगर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए उसको वो एक लीगल स्ट्रक्चर देने का ज़रूरत है ताकि आने वाला इन्वेस्टर जो है उसको पूरी तरह से इतमान हो बहुत सारे हमारे जो ममालिक खासतौर पर खलीजी ममालिक उन्होंने ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स शुरू की हैं जिससे वो अपने प्राइवेट सेक्टर को ये इंदिया दे रहे हैं कि आप जो है वो रीजन में इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें सेवेंटी परसेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल उनको जो है वो आ, लोन की सूरत में अपने प्राइवेट सेक्टर को या उसके लिए एज ए सॉर्ट ऑफ जो बेनिफिशियल फंडिंग होती है उसके इसके जरिए उनको प्रोवाइड करेगी और थर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी बिजनेसमैन देगा से से अम्मीरा, इसके अम्मीरा, लिए पच्चीस बिलियन डॉलर की एलोकेशन हुई है अच्छा पच्चीस बिलियन डॉलर की एलोकेशन है चले आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं यकीन हम कितना ला सकते हैं ये अब जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इदारे बनेंगे फॉनग्रो जैसे जी जी। ये उसमें जो है उनके साथ ज्वाइंट वेंचर की सूरत में उनको ला सकें मेरा लास्ट सकते हैं जिस तरह आप बात कर रहे हैं जर मुबादला की शदीद किल्लत का सामना है पाकिस्तान को आप समझते हैं कि इन एक्टिविटीज के नतीजे में कौमी खजाने को कितना फायदा पहुंच रहा है देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर इम्प्लॉयमेंट तो एक तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मौके जो हैं वो बढ़ेंगे और लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ये सिर्फ एक बहुत शुक्रिया शुभाई आपने हमें वक्त दिया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं एक्सपर्ट